हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम कोर्ट में बैठे रहेंगे, क्योंकि भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या करें, टीजीटी में वैकेंसी कितनी कम आती है सबको पता है, ऊपर से प्रमोशन करके पीआरटी वालों को ही टीजीटी में डाल दिया जाता है। हमने अपना 5 साल दिया है, हमने कोचिंग लिया, हमने पैसा दिया, हमने टाइम दिया, हमें यही बस है सबसे रिक्वेस्ट कि अध्यादेश ले आए और बीएड को पीआरटी में शामिल करें। तमाम मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो सुबह से ही एससीईआरटी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धूप है लेकिन धूप के बीच में भी इनका हौसला जो है वो जोश से भरपूर है और लगातार हाथों में तिरंगा लेकर पोस्टर बैनर लेकर ये अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर इनकी मांगों पर अमल करे तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों युवाओं का भविष्य उत्तर प्रदेश के अंदर सुधर सकता है और ये भी प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। तो उन तमाम मांगों को लेकर देख सकते हैं दूर दूर तक ये पूरे जो अभ्यर्थी हैं वो खड़े हुए हैं, कुछ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और हाथ में पोस्टर बैनर इनके हैं और जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी में भर्ती की मांग लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी उनके हाथों में तिरंगा है, उन तिरंगों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बीएड से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं वो ऐसे ही सड़कों पर उतर कर बेसिक शिक्षा निदेशालय के बाहर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे। दूसरी ओर अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जो ये प्रदर्शन है वो प्रदर्शन जिस जगह पे हो रहा है वहीं तक सीमित रखा जाए। हालांकि इनकी तरफ से ज्ञापन भी सौंपा गया है, उसके बावजूद जो जो अभ्यर्थी हैं वो डिगे नहीं है और यहीं धूप में बैठे हुए हैं जो उससे लबरेज है। तो ये तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी है और उसके बावजूद जो है अभ्यर्थी पसीने से तरबतर होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा सरकार और बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं वो कब तक इनकी मांगों पर अमल करते हैं, कब तक इनके भविष्य को सुधारने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि अभ्यर्थियों और युवाओं के बारे में वो सोचे। तो ऐसे में ये युवा अगर सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार को जाहिर सी बात है इनकी मांगों पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। बिल्कुल नीलेश, और देखिए लगातार जिस तरह से छात्रों का ये प्रदर्शन देख रहे हैं, इतनी भीषण गर्मियां लेकिन उसके बावजूद अपने हक के लिए लगातार मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। नीलेश, इसके साथ ही साथ क्या उनकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है, चूंकि एससीईआरटी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी तरह का उन्हें बातचीत करने के लिए बोला गया है? अभी हम अभ्यर्थियों से सीधा बात करते हैं कि अभ्यर्थियों से क्या किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों ने बातचीत करने का प्रयास किया। आप भी लगातार प्रदर्शन में शामिल हैं, शासन प्रशासन की तरफ से कोई पहल हुई आप लोगों से बात करने के लिए? कोई यहाँ पे कुछ पूछने वाला नहीं है। हम लोग सिर्फ आए हैं, तब से कोई ना कोई हरकत है, यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं है। हम ही लोग जो अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं वही कर रहे हैं, किसी से कोई हस्तक्षेप नहीं है। गवर्नमेंट भी सब बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठी हुई है, उसे कोई करना नहीं है। कोई अधिकारी मुलाकात के लिए कोई नहीं, कोई अधिकारी नहीं। देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबह से ही जब से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है तब से इनका प्रयास रहा है कि कोई अधिकारी इनसे करे, मुलाकात करे, लेकिन अभी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी अभ्यर्थी यहाँ नहीं पहुँचा है, कोई भी अभ्यर्थियों से मुलाकात अधिकारी करने नहीं पहुँचा है। तमाम तस्वीरें हैं, तमाम छात्र हैं, देख सकते हैं कि धूप में बैठे हुए उनसे बातचीत भी करते रहिए, क्योंकि ये देखिए प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार अध्यादेश लाए और हम लोगों बीएड वालों को 18 से 23 के जो बेकसूर उनको न्याय मिले। अब सरकार अध्यादेश ही लाके हम लोगों को पीआरटी में शामिल कर सकती। हम एक स्टूडेंट बीटीसी के स्टूडेंट थे, हम 2018 में बीटीसी में एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद कुछ दिन स्कूल भी गए, इसके बाद जैसे गजट आया तो हमको लगा कि क्यों ना हम बीटीसी छोड़ के बीएड कर लें। जब हमको बीएड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमने बीएड किया। बीएड करने के बाद कई बार सीटेट क्वालिफाई किया, टेट भी क्वालिफाई किया, इसके बाद अभी भर्ती भी नहीं, एक टीजीटी का भर्ती फॉर्म पड़ा है, उसका कोई आयोग बन रहा है। और ये रही बात जूनियर की, जूनियर में कितनी वैकेंसी आती हैं, कितने विद्यालय बने हैं और कितने लोगों को बीएड में उसमें जगह मिलती है, यही बीटीसी वाले पदोन्नति करके प्रमोशन करके उन्हीं को भरा जाता है, उन्हीं को पीआरटी में अच्छी वैकेंसी आती है, इसलिए हमने सोचा कि बीएड कर लें। और बीएड करने के बाद हम बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, 2 महीने से लाइब्रेरी में ज्वाइन के कर रहे थे, फिर हमको जैसे नोटिफिकेशन पता चला कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। अब एक हफ्ते से वो हालत है कि हम सोच नहीं सकते हैं, ना टिकट भी कटा चुके हैं और बीपीएससी का पेपर भी नहीं दे सकते हैं, अब जाएं तो कहां जाएं, दूसरा ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अध्यादेश ला के एनसीटी से कि हम लोगों को बीएड वालों को न्याय दे,
और हम सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हैं। हमको न किसी बीटीसी से लड़ाई है न किसी से, हमको सरकार से मांग है कि अध्यादेश लाके हम बेकसूर बेड वालों को शामिल करें।